Welcome back everyone to my channel. So let's start today with second unit of third paper, that is Postcolonial Literature 1. And the topic today is Elster Pannycook's The English and the Cultural Constructs of Colonialism. So basically this essay is about Pannycook's research in importance of colonialism in cultural constructs. तो इस ऐसे की जो टेक्स्ट है इट्स रियली लॉन्ग और ये ऐसे जो है इंट्रोडक्टरी चैप्टर है पैनिकुक की जो बुक है इंग्लिश एंड द डिस्कोर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म में उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में है. तो पर्टिकुलरली ये बुक उन्होंने लिखी थी रिगार्डिंग हिज रिसर्च कि कैसे जो कॉलोनियलिज्म है वो कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स पे क्या इफ़ेक्ट डालता है. इसको और सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे समझ सकते हैं, अगर आप इसकी एक सेंटेंस में इसको समझना चाहें तो कोई भी ऐसी कंट्री जिसके ऊपर रूल हुआ है, राइट, कोई भी ऐसी कंट्री जो कॉलोनी है तो जो उसका बीइंग कॉलोनी उसका पास्ट रहा है वो उसके नेक्स्ट फ्यूचर में भी उसको इफ़ेक्ट करता है, राइट. जैसे उसने एग्जांपल ली है हांगकांग की, तो हांगकांग गॉट इट्स फ्रीडम क्वाइट लेट. तो आफ्टर फ्रीडम जो हांगकांग में जो कुछ भी कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं कल्चर के, उसके ऊपर एक इनएविटेबल इफ़ेक्ट रहा उनके कॉलोनियल पास्ट का. तो बेसिकली दिस एसे इज़ एन अटेम्प्ट टू शो द कनेक्शन बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट द कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स. ठीक है, कि कोई भी ऐसी कंट्री जो कॉलोनी रह चुकी है उसके फ्यूचर में भी जब वो अपनी स्लेवरी से फ्री हो जाती है, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट, तो उसका पोस्ट कॉलोनियल फेज़ शुरू हो जाता है, लेकिन उस फेज़ में भी उस कॉलोनी के जो कल्चर के जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उस पर उनकी जो पास्ट का इफ़ेक्ट रहता है एंड दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. सो दिस इज़ द बेसिकली मेन आइडिया ऑफ दिस एसे. सो आई विल स्टार्ट रीडिंग द नोट्स. Elster Pannycook is an applied linguist. He is a distinguished professor of language, society and education. This essay is a part of his book entitled English and the Discourse of Colonialism. A central argument of this book is that colonialism serves as a crucial site of cultural production. He invites scholars, researchers and educators to reflect on the need to view colonialism not simply as a context. He wants to view it as a context that produces discourses which have lasting effects in large domains of Western thought and culture. तो colonialism को सिर्फ एक context मान के न पढ़ा जाए बल्कि इसके effect को study किया जाए. वो effect जो इसका Western thought के जो इनका effect जो है वो colony के free होने के बाद उनके products में आता है. His purpose is to highlight the complexities surrounding the central role of English and English language teaching in the colonial enterprise. तो इन सभी cultural products में वो study करेगा language को, क्योंकि language बहुत important part है culture का. तो कैसे वो language जो है, क्योंकि वो language colonizer की language है, और जब वो colony free हो जाती है अपने rule से लेकिन वो colonizer की language को still वो use कर रही है, तो कैसे उसके ऊपर effect होता है उसके पास्ट का. द एसे ओपन्स विद द ब्रिटिश डिपार्चर फ्रॉम हांगकांग, मार्किंग द एंड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. ही बिलीव्स दैट दिस एग्जिट ओनली मार्क्स द डीप रनिंग ट्रेसेस लेफ्ट बाय कॉलोनियलिज्म. तो सबसे पहले वो शुरू कैसे करते हैं एसे को, कि जब ब्रिटिश ने हांगकांग को छोड़ दिया था लेकिन वो उनका एक फिजिकल डिपार्चर था वहाँ से. इट लीड्स हिम टू एग्जामिन द डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज पॉलिसीज इन इंडिया अंडर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. He argues that English language is still laden with colonial meanings. The sources drawn on are diverse, from colonial documents from India, Malaysia and Hong Kong to travel writing, from popular books on English to student writing, from personal experiences to newspaper articles. तो ऐसे की बिगनिंग में उन्होंने दिखाया है कि कैसे जब ब्रिटिश ब्रिटेन ने जब फ्री किया हांगकांग को तो उन्होंने कहा ये सिर्फ एक फिज़िकल एग्ज़िट था, लेकिन उसके जो ट्रेसेस थे, उसके जो इम्प्रेशंस थे, दे वर क्वाइट डीप ऑन द माइंड्स ऑफ हांगकांगर्स. तो इट लीड्स हिम टू एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज पॉलिसीज. इसी तरह से जब ब्रिटिश जब ब्रिटेन ने फ्री कर दिया इंडिया को तो उसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी क्या रही, तो बाय वे ऑफ कंपैरिजन बाय वे ऑफ कंपेयरिंग दीज टू कॉलोनीज, एक तरफ इंडिया और एक तरफ हांगकांग, वो क्या दिखा रहे हैं कि कैसे बाद में लैंग्वेज वहाँ पर डेवलप करती है. मतलब जब इंग्लैंड के लोग यहाँ से चले गए तो उसके बाद में इंग्लिश की क्या लैंग्वेज पॉलिसीज़ थी,
तो उसने ओवरऑल इंडिया, मलेशिया और हांगकांग की ट्रेवल राइटिंग को इंक्लूड किया है, पॉपुलर बुक्स ऑन इंग्लिश, स्टूडेंट राइटिंग को, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लेकर न्यूज़पेपर आर्टिकल तक को इस एसे में उन्होंने एज एन एग्जांपल कोट किया है. सो लैंग्वेज पॉलिसीज इन कलोनियल इंडिया राइटली डिजर्व अटेंशन बिकॉज ऑफ देयर सिग्निफिकेंस एज द मेजर साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कलोनियल आइडियोलॉजीज. द नीड टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर इंडियन पीपल वॉज फ्रेम्ड अमंग द कम्पीटिंग डिस्कोर्सेज. द डिस्कोर्स ऑफ द सिविलाइजिंग मिशन एंड द डिस्कोर्स टू प्रोवाइड अ प्रोडक्टिव एंड ओबीडियंट वर्क फोर्स. तो इंग्लिश लैंग्वेज जब इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई तो उसके पीछे क्या मोटिव था? उसके पीछे यही था कि एक तो इंडियन पीपल को इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जिससे कि इंग्लैंड के लोगों को अपने लिए एक ओबीडियंट वर्क फोर्स मिल जाए, क्योंकि उनके लिए कम्युनिकेट करना इंडियंस के लिए, इंडियंस के साथ ईजी हो जाता अगर इंडियंस वर एबल टू अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज. टू फैक्शंस emerged from it, one supporting Anglicism and the other supporting Orientalism. तो Orientalism के लिए मैंने जो पहले वीडियो डाली थी, इंट्रोडक्शन टू Orientalism. तो Orientalism क्या है? When we are talking about the things connected with the Eastern countries. और Anglicism is with English. So अब इन दोनों ideologies, अब जैसे ही English language को develop किया गया in India, तो वहाँ पर दो तरह की फैक्शंस सामने आए. एक तो था जो सपोर्ट कर रहा था एंग्लिसिज्म को, दूसरा था जो सपोर्ट कर रहा था ओरिएंटलिज्म को. बोथ एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट फैक्शंस कंट्रीब्यूटेड इन देयर डिफरेंट वेज टू द मेंटेनेंस ऑफ द कलोनियल रूल. दस डिबेट्स ऑन कलोनियल लैंग्वेज पॉलिसीज रिवील द डबल एज्ड स्वॉर्ड ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन. द क्वांटिटी दैट प्रोविजन ऑफ बोथ education in the first language and education in English were equally part of colonial rule. He reminds us that we need to investigate very carefully whose interests are served by different language policies. तो यहाँ पर वो question क्या raise कर रहा है कि इन जो language policies change हुई, जैसे India में English language को पढ़ाना शुरू किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्लाई करना शुरू किया गया, तो उसके पीछे मेन इंटरेस्ट किसका था? उसके पीछे मेन इंटरेस्ट इंग्लिश पीपल का ही था, राइट? दे नेवर वांटेड टू एजुकेट इंडियंस इन अ बेटर वे. दे ऑलवेज वांटेड टू प्रोड्यूस देयर वर्क फोर्स बाई एजुकेटिंग इंडियंस इन देयर ओन लैंग्वेज. नेक्स्ट ही एग्जामिन्स कलोनियल लैंग्वेज पॉलिसीज इन मलाया, द स्ट्रेट सेटलमेंट्स एंड हांगकॉन्ग. वाइल द प्रॉपर रोल फॉर इंग्लिश वर्स being debated on, constructions of self as enlightened, rational and superior and others as inscrutable, deviant and inferior were constantly produced. अब इंडिया के बाद वो एग्जाम्पल लेते हैं लैंग्वेज पॉलिसीज़ की मलाया में और हांगकॉन्ग में. अब यहाँ पर वो क्या पॉइंट दिखा रहे हैं कि जैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज ने ग्रो करना शुरू किया अपनी कॉलोनीज़ में, राइट, तो वहाँ पर क्या होना शुरू हो गया कि इंग्लैंड के लोगों की, इंग्लिश पीपल की एक जो इमेज थी वो सेल्फ की थी, राइट, और वो सेल्फ की इमेज जो थी वो बहुत सुपीरियर बन गई इन कंपैरिजन टू द इमेज ऑफ द पीपल ऑफ कॉलोनी. जैसे कि सेल्फ के साथ इन्होंने कौन कौन से यूज़ किए हैं एडजेक्टिव्स, एनलाइटेंड, रैशनल, सुपीरियर, ये कौन थे? इंग्लिश पीपल. अदर में कौन आ गया? कॉलोनी के लोग, जैसे इंडियंस भी हो सकते हैं, मलाया के लोग भी हो सकते हैं और हांगकांग के भी, और उनकी इमेज क्या बन गई? इंस्क्रूटेबल, डिवियंट एंड इन्फीरियर. तो ये कॉन्स्टेंटली एक डिमार्केशन शुरू हो गई. एज द डिबेट कंटिन्यूड सच कंस्ट्रक्शंस केम इंक्रीजिंगली टू एडहियर टू इंग्लिश. द प्रोडक्शन ऑफ दीज डिस्कोर्सेज वॉज वन ऑफ द मेजर लीगेसीज ऑफ पोस्ट कलोनियलिज्म. द डिबेट्स ऑन द सुपीरियोरिटी ऑफ इंग्लिश हैव हैड लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन द मैसिव स्प्रेड ऑफ इंग्लिश अराउंड द ग्लोब टूडे. Anglicism has been able to re-emerge in a new world order in which promotion of English has become a far more viable option. तो पहले तो लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसको प्रमोट करने का काम हुआ, जो कि विच केप्ट ऑन ग्रोइंग. पोस्ट कलोनियलिज्म हैज़ इमर्ज रिसेंटली एज एन इम्पॉर्टेंट रीफोकस ऑफ स्टडी. इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मैनी नोटेबल राइटर्स लाइक मिशेल फूको एंड सैयद. पोस्ट कलोनियलिज्म हैज़ ऑल्सो ब्रॉट विद इट अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ द पोलिटिकल, greater emphasis on social and cultural change. Post-colonial writers and academics have sought to rewrite histories against the grain of the colonial histories. It is important to understand the legacies of the colonial history to European thought and culture.
तो जब हम पोस्ट कॉलोनियल की बात करते हैं तो पोस्ट कॉलोनियल में वर्ड कॉलोनियल भी है, राइट? तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में क्या स्टडी किया जाता है कि वो कंट्रीज़ जो अभी पोस्ट कॉलोनियल स्टेज में हैं, जो फ्री हो चुकी हैं, उनके पास्ट का उनके प्रेजेंट पर क्या इफेक्ट है। पेनिकुक इंटेंड्स टू लुक एट द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इन कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। There are deep and insoluble links between the practices, theories and context of ELT and the history of colonialism. ELT not only rode on the back of colonialism to the direct corners of the empire, to the distant corners of the empire, but was also in turn produced by that voyage. Ab English language teaching kab shuru hui? English language teaching shuru hui when India was a colony, Britain ke logon ke time mein. To उसी वजह से ये कई दूर दूर के कॉर्नर्स तक भी पहुंची, लेकिन उसी वॉयज के थ्रू ये एक डबल इफ़ेक्ट था कि एक तो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने वाले इंग्लिश पीपल थे, तो वो एक मिशनरीज़ के थ्रू इनको स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वही जो थे आगे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट भी किया, मतलब एम्पायर के लोग उसको हेल्प करने वाले भी थे, उसको प्रमोट करने वाले भी थे, लेकिन जैसे ही एम्पायर ख़त्म हुआ with the dissolution of empire and the increase of immigration into the english dominant nations the racism was brought back with home with it lekin jaise hi england se free ho gayi colonies uske baad ek movement shuru hui wahan par immigration ki to wahan par racism jo tha wo automatically it was in seen to franz fanon ka jo 1963 ki research hai young ki 90s ki have argued that the rise of European fascism was merely the result of colonialism's return to Europe. Some of the central ideologies of current ELT have their origins in the cultural constructions of colonialism. Philipson is one of the few writers who have seen the significance of these connections. Then Pennycook talks about three principal issues noticed by him as his own involvement in ELT over teaching ELT in Hong Kong. इसके बाद पेनिकुक जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं कि क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में जो उनका एक्सपीरियंस है हांगकांग में, वहाँ पर उन्होंने तीन मेन इश्यूज जो हैं ऑब्जर्व किए हैं। फर्स्ट क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कॉलोनियलिज्म इन टर्म्स ऑफ कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ एवरीडे लाइफ, कि एवरीडे लाइफ में जो नॉर्मल लाइफ में कल्चरल पॉलिटिक्स कैसे, किन टर्म्स में हम कॉलोनियलिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं, कि उसके ऊपर पास्ट का क्या इफेक्ट है। सेकेंड क्या है, कॉलोनियलिज्म वॉज बोथ मोर कम्प्लेक्स एंड मोर सिंपल दैन इट वॉज कॉमनली टेकन टू बी। तो कॉलोनियलिज्म जो है, मतलब जो पास्ट की रियलाइजेशन है, वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, जितना हम सोचते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा। द बेनिफिट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म अलॉन्ग विद द क्रिटिकल व्यू ऑफ द सेम। तो हॉलैंड क्या सुजेस्ट करते, जैसे कि अब यहाँ पर वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्होंने तीन पॉइंट देने के बाद ही कोट्स हॉलैंड। तो हॉलैंड की क्या डेफिनेशन, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर। टू ऑफन यूरोपियंस एम्फेसाइज द एडवांटेज ऑफ कॉलोनियलिज्म असर्टिंग हाउ मच द ब्रिटिश डिड टू सिविलाइज एंड मॉडर्नाइज अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमेशा कॉलोनियलिज्म के पीरियड में एक पॉजिटिव बात क्या लेके चलते हैं कि उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ को सिविलाइज किया था, मॉडर्नाइज किया था। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि बिफ़ोर दे रीच्ड दोज कंट्रीज़, कि जैसे ब्रिटेन के लोग इन कॉलोनीज़ तक पहुँचे, वहाँ के लोग जो थे वो अनसिविलाइज्ड थे, वाइल्ड थे, लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने उन लोगों को सिविलाइज किया, मॉडर्नाइज किया। तो ये एक उनकी एजम्पशन है regarding colonialism, which is only showing the positive effect. The truth is that the major effect of colonialism was to destroy African and Australian society and halt means stop its natural progress by excluding the native people from any say in making decisions that controlled their lives. Lekin actually wo karna kya chahte the, wo natives ko us jagah ke jo log rehne wale the unko main decision making se nikalna chahte the. तो इस ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये क्या शो कर रही है, ये हमें वन साइडेड पर्सपेक्टिव शो कर रही है कि जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने अपने एफर्ट्स को पॉजिटिवली पेंट किया कि वो अपनी कॉलोनीज़ जो उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी वहाँ पर वो गए और उन्होंने वहाँ पर उन लोगों को सिविलाइज़ किया, मॉडर्नाइज़ किया। मतलब ब्रिटेन के लोगों के अकॉर्डिंग कि जो उनकी कॉलोनीज़ थी, वेदर वी टॉक अबाउट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो उनके वहाँ पर जाने से पहले वो लोग अनसिविलाइज्ड थे, वाइल्ड थे, और उन्होंने वहाँ पर जाकर उन लोगों को मॉडर्नाइज़ किया, सिविलाइज़ किया। लेकिन उनका एक्चुअल पर्पज़ क्या था,
उनका एक्चुअल पर्पस था उन लोगों में से उनको डिसीजन मेकिंग से दूर रखना. सो दिस एसे इज़ द इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ द बुक एंड ही हैज़ ट्राइड टू he has tried to touch some of the key issues he will be dealing in the next chapters. He takes up example of Dean to elucidate the different approaches in discourse analysis. He denies to follow or create any history of colonialism and ALT. His main concern is with the problematic ways in which the contemporary white culture and contemporary cultures of English language teaching deal with cultural others. तो यहाँ पर मेन उनका पॉइंट कोई हिस्ट्री क्रिएट करने का नहीं है. वो बताना चाहते हैं कि कैसे जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है उसके ऊपर हिस्ट्री का बहुत इफ़ेक्ट है. जो कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री रही है, जो उस कॉलोनी का पास्ट रहा है, वो उसकी लैंग्वेज टीचिंग को बहुत इफ़ेक्ट करता है. पेनिकुक वॉज स्ट्रक बाय द कम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्सेज इन हांगकॉन्ग एंड येट एट द सेम टाइम द पॉसिबल सिंपलिसिटी ऑफ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट्स. दिस जक्स्टपोजिशन इज़ अ क्रूशियल वन. तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि एक तो वहाँ पर जो कॉलोनियल डिस्कोर्सेज हैं उनमें वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, वो इतने नुएंस्ड हैं, उन पर इतना ज़्यादा माइन्यूट असर है कॉलोनियलिज्म का. दूसरी तरफ वो बहुत ही जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो वहाँ के रिजल्ट्स हैं कॉलोनियलिज्म के बाद, वो बहुत ही सिंपल भी हैं. तो ये काइंड ऑफ जक्स्टपोजिशन है. ही ट्राइज़ टू शो अ कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री seem to posit a simple past in comparison with a complex present. A parallel must be drawn between understanding of colonialism and that of Holocaust. The present time is more complex and less anti-Semitic than the racist eras before. Similarly, there is a tendency to view colonial history as a simple tale of old-fashioned bigotries. It is important not only to question the racist stereotypes of the colonized, but also to question the image of the colonizer. तब अब चेंजिंग टाइम्स के साथ हमने दोनों इमेजेस को चैलेंज करना है, कॉलोनाइज्ड की इमेज को भी और कॉलोनाइज़र की इमेज को भी. यूजुअली क्या देखा जाता है कि कॉलोनाइज़र कौन थे, कॉलोनाइज़र जैसे ही हम वर्ड कॉलोनाइज़र यूज़ करते हैं तो हमारी आंखों के आगे इमेज क्या आती है कि बहुत ही कोई स्ट्रिक्ट और जैसे कोई इमोशनलेस कैलस पर्सन हो, हु इज़ रेडी टू यू नो, हु इज़ रेडी टू पनिश द कॉलोनाइज्ड. तो इस इमेज से निकलकर दोनों की इमेज को हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है, इमेज ऑफ द कॉलोनाइजर एंड इमेज ऑफ द कॉलोनाइज्ड. ऑल दो एंटी कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग हैज स्टार्टेड टू रीड्रेस द नेचर ऑफ दीज इमेजेस, येट द रादर लिमिटेड स्टीरियोटाइप ऑफ द कॉलोनाइजर रिमेन्स इंटैक्ट. लेकिन अभी भी जो वास्ट मेजॉरिटी है उनकी माइंड में कॉलोनाइजर की जो इमेज है वो स्टीरियोटाइप्ड ही है, वो वैसे ही उसके बारे में सोचते हैं. The tendency to distant one's self from the past. अब यहाँ पर अगर हम बिल्कुल ही colonialism की past को भूल जाएं, अगर हम ये कहें कि आज की जो present है उसमें हमारे past का कोई असर नहीं है, तो इससे कौन सी problem आएगी? इसकी two problems हमें face करनी पड़ेंगी. First क्या है? An inability to see that colonial context in themselves were complex domains of competing discourses and liberal doctrines were as much aspect of colonialism as liberal ones. एक तो ये है कि हम अपने पास्ट को अलग करके प्रेजेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. तो वो कंट्रीज़ जो प्रेजेंट में फ्री हैं, वो कॉलोनियल पास्ट का जो इफ़ेक्ट है उनके प्रेजेंट को, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. द डिस्कोर्सेज ऑफ द प्रेजेंट मे हैव डायरेक्ट लीनिएज टू द कॉलोनियल पास्ट. द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द प्रेजेंट मे बी मिरर्ड इन द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द पास्ट. तो आज के जो प्रेजेंट की कम्प्लेक्सिटी है उसका आंसर हमें पास्ट में मिल सकता है, और जो पास्ट की कम्प्लेक्सिटी है उसका आंसर हमें प्रेजेंट में मिल सकता है. एंड करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग मे मिरर अर्लियर अंडरस्टैंडिंग्स, राइट? तो ये एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालने वाली हैं. फॉर एग्जाम्पल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ एंड अदर कंटिन्यूज इन टू द प्रेजेंट. तो आज भी जो एक सेल्फ और अदर की इमेज है वो कंटिन्यू कर रही है. आज भी एवरीथिंग बेस्ट इज़ कनेक्टेड विद द वेस्ट, और ईस्ट के लोगों को लो लेवल पर दिखाया जाता है. ये सब कुछ क्रिएट किसने किया था? ये सब कुछ कॉलोनियल लैंग्वेज ने, कॉलोनियल जो एजुकेशन था उसने ये चीज़ें यू नो प्रिवेल कर रही थी उस टाइम पर, और उसका इफेक्ट आज भी है. Pennycook points out that these discourses to English and their constant reign, उनका जो constant वो control कर रहे हैं इस vocation को, in many context, resistance and change is hard work.
He warns against a stand of reasoning in post-colonialism, which suggests an appropriation of English. He calls for counter-discourses to be developed that can challenge the adherence of colonial discourses to English. अब वो चाहते क्या हैं कि इनके अगेंस्ट एक एंटी कलोनियल या एक काउंटर कलोनियल एक डायलॉग इमर्ज हो, एक डिस्कोर्स इमर्ज हो जो इन सभी इफ़ेक्ट्स को, इन सभी पास्ट को एक नए तरीके से रीड करें. He says, unless we can work in and against English to find cultural alternatives to the cultural constructs of colonialism, colonialism will continue to repeat itself in our English classes around the world. जब तक हम अपने पास्ट के इन क्विजेस को, इन इफ़ेक्ट्स को सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक हमारा पास्ट जो है हमारे प्रेजेंट में हमारी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्लासेस को इफ़ेक्ट करता रहेगा. He doesn't provide concrete solutions to the development of counter discourses and he may seem rather pessimistic, but his conclusion may function an incitement to researchers. Incitement is a kind of provocation. लेकिन अपने इस ऐसे के थ्रू उन्होंने एक स्पार्क डाला है रिसर्चर्स में, स्कॉलर्स में, कि वो इस इंक्वायरी को आगे डिवेल्प करें. ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो कलोनियल पास्ट है वो इफ़ेक्ट करता है प्रेजेंट के कल्चरल कंटेक्स्ट के ऊपर. तो आई होप कि आपको मेन आइडिया क्लियर हो गया होगा. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में यू कैन लीव. एंड अगर मेरी वीडियोस से आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड योर लाइक एंड योर कमेंट्स आर रियली इंस्पिरेशन फॉर मी टू मूव फॉरवर्ड. So I'm really looking forward to your likes and your comments. Thank you so much for watching.